हेलो गाइस, सत श्री अकाल जी सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तुसीं इत्थे मेकअप देख सकदे हो। ये वाला मेकअप अज मैं तुहानूं दसूंगी। ये वाला मेकअप तुसीं ऑफिस, कॉलेज, कितें भी करके जा सकदे हो। सो मेकअप आपां अंडर 200 दे विच कर देना है विदाउट एनी फाउंडेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ यही हुंदा है कि असीं रोज़ फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकते। सो या इफ वीडियो होने वाली है विदाउट फाउंडेशन दे, सिर्फ ओनली यूज़ करांगे आपां कंसीलर। कंसीलर दे नाल मैं ये वाला मेकअप किया, तुसीं देख सकते हो। सो वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सबसक्राइब। सो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी बिगिनर्स लई, कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स लई। सो या स्टेप बाय स्टेप मैं तुहानूं दसूंगी ये वाला मेकअप। सो गाइज, डेली रूटीन दे विच तां आपां बहुत हैवी मेकअप नहीं करके जा सकते ना कॉलेज ना ऑफिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। सो या आप इतने मेकअप करांगे विदाउट फाउंडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा नैचुरल लगेगा, प्लस होगा भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस। सो वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सबसक्राइब। चलो आप वीडियो कर दें स्टार्ट। सो सब तो पहले आप अप्लाई करेंगे इतने मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CTM हमेशा करा करो, चाहे तुम मेकअप करो चाहे ना करो। एक फ्लॉलेस स्किन लई तुम CTM करना मस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो सब तो पहला क्लेंजर, फेस वॉश कर लो, टोनर स्किन टोन कर लो, रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हो। टोनर लई तुसी थर्ड स्टैप आ मॉइस्चराइजर। मैं इतने दो स्टैप कर चुकी हाँ, मैं थर्ड कर रही हूँ मॉइस्चराइजर अप्लाई। सो मैं इतने करूँगी मॉइस्चराइजर अप्लाई। मेरी आवाज़ तो ना जाए बिकॉज क्योंकि मैनू कोल्ड होया हुआ। सो मैं इतने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर चुकी हाँ। मैं इतने कर रही हूँ इन साइड का प्राइमर यूज। प्राइमर यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यह एक फिल्टर टाइप बेस दिता है, प्लस ताड़ी स्किन एंड फाउंडेशन के बचाले एक इदा की लेयर खड़ी कर देता है, जिदा कि जरा फेस के एक्सेस ऑयल होंगे मेकअप के मिक्स ना हो सके, मेकअप ग्रे ना हो सके। सो या सब तो पहले मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर यूज़ करने तो बाद हूँ मैं इतने करूँगी कंसीलर यूज़। इतने मैं दो तरह के कंसीलर यूज़ करूँगी, एक डार्क एंड एक मेरी स्किन शेड तो थोड़ा लाइट, एक थोड़ा डार्क एंड एक थोड़ा लाइट। डार्क इसलिए ताकि जो मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह ने थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पिगमेंटेशन आ, डार्क स्पॉट्स ने उन्होंने हाइड करने लिए। सो या मैं इतने डार्क कलर का कंसीलर के नाल अपना, जितने तो मैं लगता भी मेरा बहुत ज़्यादा एरिया डार्क आ, पिगमेंटेशन वगैरह वा, डार्क स्पॉट्स ने, उतो तो मैं अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि आप बेस बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। सो बहुत घट जिदी फिनिश बिल्कुल नैचुरल हो सके। हमने आप कर लेंगे ब्लेंड। तो देख सकते हो मेरा बेस कितना ज्यादा न्यूट्रलाइज हो चुका है। सो इस तो बाद हम आप करेंगे कंसीलर अप्लाई नेक्स्ट। मेरे को है इतने स्विस ब्यूटी का कंसीलर। एक कंसीलर तुम 200 के अराउंड मिल जाता है। सो इन तुसी फेस नू हाईलाइट कर सकते हो लाइक इस तरीके ने, जिते जिते तुसी अप्लाई करना होवे कर लो। सो तुसी देख सकते हो इतने मैं अप्लाई कर चुकी हाँ कंसीलर नू। बहुत घट अमाउंट च अप्लाई किया है, तुसी भी बहुत घट अमाउंट च अप्लाई करना है। चाहे ब्यूटी ब्लैंडर ना ब्लैंड कर लो चाहे ब्रश ना। इस कंसीलर नू मैं सारे फेस ते हल्का हल्का टैप करती रहूँगी लाइक दस। सो तुसी देख सकते हो इतने मैं एक नैचुरल दा बेस सैट कर लिया। सो इस तो बाद हुण आपां की करेंगे, इहनूं पाउडर नाल सैट कर देंगे ताकि अपना सारा दिन मेकअप लॉक हो सके। सो कॉम्पैक्ट पाउडर लैना तुसी अपनी स्किन शेड का ही, वाइट अंडर टोन दे विच बिल्कुल भी नहीं लैना। सो मैं इत्थे लै लिया पाउडर। सो मैं इहनूं चंगी तरह अंडर आई के नीचे चंगी तरह सैट कर लेना। कॉम्पैक्ट पाउडर ना की होंगे, एक तो मेकअप सैट हो जाता है, प्लस सैकेंड तुम होर कवरेज मिल जाती है। सो इतने मैं कर लिया सैट, हम आप बनावेंगे आईब्रो। सो आईज़ लई मैं की करूँगी, कॉम्पैक्ट पाउडर के नाल ही मैं अपनी आईज़ में थोड़ा थोड़ा सैट कर लूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आप बहुत सिंपल मेकअप कर रहे हैं। सो दैट्स वाई। सो मैं इतने आईब्रो बना ली है, तुम देख सकते हो। इस तो बाद हम आप की करांगे ब्लश अप्लाई करांगे। ब्लश लई मैं इतने लिपस्टिक टिंट यूज कर रही हूँ ब्लू हैवन का, ये भी 200 के अराउंड मिल जूगा तुहानू। इनू ही अपनी
मैं तो ब्लू हेवन का लिपस्टिक टिंट यूज कर रही हूँ, ही मैं थोड़ा थोड़ा अपने आईज से भी अप्लाई कर लूंगी, देन फिर इन आप ब्रश की हेल्प के ना करेंगे ब्लेंड। देख सकते हो उत्थे मैं अपना ब्रश न कर लिया ब्लेंड, इनू ही मैं आईज थोड़ा थोड़ा ब्लेंड किया है। सो इस तो बाद आप करेंगे मस्कारा एंड कजल अप्लाई। सो मैं कर लिया इतने लाइनर अप्लाई, लाइनर ऑप्शनल अगर तुम करना हो, बट ये ना कि होंगे कि आईज थोड़ी होर ज़्यादा इनहेंस हो जाए। नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं इतने मार्स का फैबुलस मस्कारा, मस्कारा अफोर्डेबल प्लस इन्ना ज़्यादा वधिया ना, ये एक थोड़ी लैशेज़ नू वॉल्यूम प्रोवाइड करता बहुत वधिया वाली। सो ये मेरा फेवरेट मस्कारा एंड तुसी भी जरूर ट्राई करियो। ये लिप ग्लॉस अप्लाई की नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर चेंजिंग लिपस्टिक, तुसी कोई भी न्यूड कलर यूज कर सकते हैं क्योंकि वही वधिया रहूगा।